यहाँ पे ये क्या लिखा हो जाए, त्यांदा बुटीक क्या बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, फॉर दोज हु आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा साउथ अमेरिका चिली के विलेज, यानी कि विलेज लाइफ यहाँ की कैसी होती है। मेरी चाइना वाली वीडियो थी, वो लोगों ने बड़ी पसंद की थी, तो इस हवाले से मैंने सोचा आप सब लोगों को मैं ये दिखाऊं कि साउथ अमेरिका चिली में विलेज कैसे होते हैं। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, ये जून का मंथ है, जून का, और जून के मंथ में ही इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। जून जुलाई जो मंथ होते हैं, मई जून जुलाई, यहाँ बड़ी ठंड होती है। चलें जी, चलते हैं, देखते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, आपका शुक्रिया। तो चलें जी, आज आपको दिखाता हूँ विलेज लाइफ इन चिली। ये है जी विलेज यहाँ का, साउथ अमेरिका चिली का। और देखें यहाँ पे किचन गार्डनिंग भी हुई पड़ी है। यहाँ पे ना जो फ्रूट्स हैं ना, उनकी किचन गार्डनिंग हुई है। देखें ये, देखें ये लगे हुए हैं जी एप्पल, और स्पेनिश में इसको कहते हैं मंजाना, यानी कि सेब। और ये कच्ची गलियाँ यहाँ साउथ अमेरिका चिली के विलेज की। इस विलेज का नाम अभी मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताऊँगा। और यहाँ पर ये मीटर वगैरह भी लगे हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि चाइना का एक विलेज हो। जैसे मैंने चाइना में भी वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे ऊँची हुई जी गाड़ियाँ शाड़ियाँ सारा कुछ। और आगे चलते हैं, आगे जाके भी मैं आपको भी हम जा रहे हैं जी आगे। वहाँ देखें ये लोग कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। ये कच्ची गलियाँ हैं गाँव की, ये देखें जी ये क्या बना रहे हैं। जैसे कोई डेरा टारा बनाते हैं ना, ऐसे ही बना रहे हैं। Hola amigos. इस तरह के विलेज होते हैं जी साउथ अमेरिका चिली में। और आगे भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारे फ्रूट ट्रीज हैं, ये सारे जो लगे हुए हैं ना ये ऊपर, ये सारे फ्रूट ट्रीज हैं। और अभी 12 बज चुके हैं दिन के। देखें यहाँ कितनी धुंध पड़ी हुई है, ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये धुंध पड़ी हुई है बड़ी। तो ये लोगों के घर हैं जी, ये सारे इन्होंने बनाए हुए हैं सेम पाकिस्तानी स्टाइल। ये हिली एरिया है, इसी वजह से यहाँ आपको पहाड़ वगैरह और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये कोई हवेली टाइप बनी हुई है, सही है। चलें जी आगे, मैं आपको एक विज़िट करवाता हूँ, फिर उसके बाद वापस चलते हैं। और ये फ्रूट लगे हुए हैं जी, ये वाले, ये पता नहीं किसका फ्रूट है, लेकिन ये यहाँ पे साउथ अमेरिका चिली में फ्रूट्स जो हैं वो आपको वाफर मिकदार में मिल सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जी यहाँ पे आके। और आप भी इस तरह की चीज़ें विज़िट किया करें अगर आपको मौका मिलता है। कि हमारा ट्रिप आया हुआ है यहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ टलका, जैसे कि आप सबको पता है। और आज यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्रिप अरेंज किया था इस विलेज का, कि आज आप सबको विलेज दिखाते हैं कि साउथ अमेरिका चिली में विलेज कैसे होते हैं। और यहाँ पे ट्रीज़ इस तरह के हैं, ये देखें जी, कोई आपको किकर शीशम ये नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये वाले ट्रीज़ काफ़ी लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हैं। और ये इस तरह के ट्रीज़ होते हैं, ये इन ट्रीज़ का मुझे नाम नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है कि ये ट्रीज़, ये जो लगे हुए हैं पेड़, तो इनका नाम क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी ये नीचे भी रास्ता जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, अभी मैं नीचे तो नहीं जाऊंगा, खैर ऊपर ज़रा देखते हैं, फिर उसके बाद वापस चलते हैं। चलें जी ऊपर ज़रा घूमते फिरते हैं, फिर उसके बाद वापस चलते हैं। मैं अभी अकेले ही आया हूँ यहाँ पे इस साइड पे, बाकी सारी दुनिया जो है, सारे जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं ना, वो उधर ही हैं, पीछे ही हैं। और ये कुछ फसलें भी लगाई हुई हैं। चलें मैं आपको नीचे जा कर ना ये खेत दिखाता हूँ, फिर हम चलेंगे उस साइड। चलें जी चलें। ये हैं जी खेत यहाँ के, साउथ अमेरिका चिली का विलेज है ये। और ये हैं जी खेत, अभी धुंध है ना, शायद आपको सही तरह से नज़र ना आए, लेकिन ये लगी हुई है जी गंदम, लगी हुई है शायद, ये गंदम ही लग रही है मुझे। और यहाँ पे जो डॉग्स हैं वो भी पालतू इन्होंने रखे हुए हैं, वो वहाँ क्योंकि धुंध है इसी वजह से क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप देख लें, वो आवाज़ आ रही होगी। अभी मैं आगे नहीं जा रहा इस साइड पे,
क्योंकि अगर मैं आगे जाऊंगा ना तो ये जो कुत्ते हैं ना ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसी वजह से मुनासिब यही है कि आप वापस चलते हैं और आगे चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इस तरह के मीटर लगे हैं जी यहाँ पे, ये विलेज है। और ये देखें गाड़ियाँ लोगों के पास बड़ी फैंसी फैंसी है, ये देखें। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पहले भी आपने बड़ा सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही लगे घंटी के बटन को पकड़ के थोड़ा सा हिला दें और नोटिफिकेशन फॉर ऑल पे आपने क्लिक करना है ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं यहाँ की वीडियोस बनाता हूँ साउथ अमेरिका चिली की, आपको साउथ अमेरिका चिली सारा घुमाना है मैंने। ये घर है जी, यहाँ पे देखें अंगीठी भी जलाई हुई है, आग जलाई हुई है। और इसके अंदर जाएंगे अभी, ज्वेलरी है, ज्वेलरी ये सारी ज्वेलरी है जी। बुटे ओ वाला केड़ा है ओ, इधर आ बुटे, ओ लाकर देख रहे हैं ये वाला लॉकेट, कुछ याद आया? क्या याद आया? पीके वाला। ये पीके मूवी में जो लॉकेट दिखाया ना, ये वही है, ये यहाँ पड़ा हुआ है। और उसके अलावा ये कुछ इन्होंने हैंडीक्राफ्ट भी बना के रखी हुई है। फ्री कोई नहीं, पैसे देने पाई। और ये क्या जी, हैचो इन पर्ल चिली, यानी कि चिली में ये बनाया गया जी। व्हाट इज दिस? सरसियोस। सरसियो मेड इन रारी, द विलेज नेम इज रारी। ओके, द विलेज नेम इज रारी। चलो जी फोटोग्राफर साहब तस्वीरें बना लो, कितनी प्यारी प्यारी चितलियाँ रखी हुई हैं। ये शॉप है यहाँ की, मैं अब इसके अंदर गया था, ये देख सकते हैं आप, ये पीछे इसका, इस विलेज का नाम है रारी। मुझे अंदर से पता चला है कि इस विलेज का नाम है रारी। और ये एक शॉप है होयास, यानी कि ज्वेलरी, ज्वेलरी की शॉप है ये तो सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन एक ये बंदा बैठा हुआ यहाँ पे, ये मुझे कह रहा है कि मेरी फ़ोटो बनाओ। हाँ जी बुट्टा साहब, क्लिक कर दूँ यहाँ पे, बड़े सोने लग रहे हो, सोने लग रहे हो यार, प्यारे लग रहे हो। पोर्ट्रेट में बनानी है, पोर्ट्रेट जो बनेगी। अच्छा जी, आप ऊपर चलते हैं, वो ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ मैं चलता हूँ और वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान में या मुस्लिम मस्जिद बनाते हैं ना, इन्होंने भी यहाँ अपना एक चर्च टाइप है छोटा सा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी ऊपर चलते हैं। चलो जी यार, ठंड बड़ी लग रही है। ये है जी, ये छोटा सा चर्च बनाया हुआ है, यहाँ पे ये अपनी इबादत करते हैं। ये तशबीह दी गई है हज़रत मरियम के साथ ना, तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा साहिबा थी। और यहाँ पे भी है, ये लोग ना यहाँ पे खड़े होके अपनी इबादत करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके सामने खड़े होते हैं और अपनी इबादत करते हैं, जो भी करते हैं। मुझे पता नहीं है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बस देखते जाएं, क्योंकि ये क्रिश्चियन है ना, इसी वजह से ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। और ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई है एक जो है स्टैचू है। विलेज का नाम है रारी, वेलकम रारी चिली। This is Artisinia, another house. This yeah, one? Yeah. And what does it mean? What it means? Yes. It means the traditional things of here. Oh, that is okay. Like 200 years, I think. 200 years? Yeah. Okay, okay. Ye ek typical village hai aur typical ghar hai. Yeah, it's typical a typical house. Typical house. Yeah, yeah. Okay, okay. It's a typical house from here. Okay, okay. Yeah. That's great. चलो जी अभी हम जा रहे हैं जी वापस, तो ये सारे लोग भी वापस जा रहे हैं। अब
ये ट्रैक्टर भी हैं, ट्रैक्टर है या स्कूटर है, बोए नो ये कोई किसान है जी यहाँ का, ये क्या रखा हुआ पीछे, वाओ दिस वन, ये कहते मैंने खाने पीने के लिए चीजें यहाँ रखता हूँ, ओके चाओ, वाओ वाओ कितने खुश होते हैं यार ये लोग देख के ना, फार्मर को पता नहीं आपको कैसा लगा है लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके ना, और ये जो लोग हैं ना कितने खुश होते हैं फार्मर को देख के, तो बड़ा अच्छा लगा। ऊपर भी घर बने हुए हैं, ये अभी ट्रेडिशनल घर हैं ये वाले, और ये शायद न्यू घर बने हैं, ये देखें ये सारे ट्रेडिशनल घर हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है ना, इस वजह से सारी स्नो नीचे आ जाएगी। चलो जी, और ये है जी शॉप, छोटी सी जैसे गांव में बनी होती है ना शॉप, ये भी छोटी सी शॉप है, बल्कि केले फ्रूट फल फ्रूट सारे रखे हुए हैं इन्होंने, ये लेस भी पड़े हुए हैं, जो अर्थगुल जो भी कोई ड्रामा वायरल होता है उसके नाम पे पापड़ बन जाते हैं। और ये इसका मेन जैसे गांव, हर गांव के स्टार्ट में लगा होता है ना बोर्ड, ये बोर्ड लगा हुआ है जी, बी एन मनी दोज आर रावी, बी एन मनी दोज का मतलब है वेलकम, ए का मतलब है टू, वेलकम टू रारी, तो ये रारी विलेज है जी यार, रारी त्योदास आरती सिनाल दल मुंडो, ये इनका कल्चर है जो पुराने वक्तों का हुआ करता था। ये बटरफ्लाई देख ले जी, ये बटरफ्लाई यार, तो बहुत यार मेरी भी फोटो खींची यार। चलो जी इतने सारे खलोवो आईफोन दे नाल फोटो खींचिए। और एक ये साइड है विलेज की, ये लोकाट का पौधा लगा हुआ है ये, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ ये ना सारे घर वगैरह, ये जैसे सेम पाकिस्तानी स्टाइल में घर लगे हुए हैं, ये डिश एंटीना भी लगा हुआ है, वाओ। मैंने एक चीज़ नोट की है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आए चले देखते हैं कि क्या है, ये देखें जी ये विलेज है, और विलेज के अंदर भी ये डस्टबिन पड़ी हुई है, कैसे सलीके से रखी हुई है, जो भी वेस्ट मटीरियल है इसके अंदर डालें, और वो हमारी गाड़ी है, ठीक है, ये सारा विलेज है जी ये सारा। अभी यहाँ लोग बड़े कम है, लोग हैं ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहे मुझे, शायद ठंड है इसी वजह से अंदर बैठे हुए हैं घरों के, बाहर निकल ही नहीं रहे, तो ये इन्होंने आगे जालियाँ लगाई हुई हैं, अगर ना लगाई होती मैं आगे जाके आपको दिखाता, लेकिन ये पालतू कुत्ते भी यहाँ पे आ चुके हैं, इनको कैसे पता चल जाता है कि बंदा आ रहा है, एक्टिव हो जाते हैं अलार्म की तरह, असी नहीं जानते भाई आराम नाल बवो तुसी। ये बस स्टॉप है ये वाला छोटा सा बस स्टॉप बड़ा फैंसी किस्म का बनाया हुआ है, वाह भाई वाह। बुट्टा साहब क्या कर रहे हो, बस का वेट कर रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर द बस ब्रो। मिस्टर बीन एक मूवी है ना, उसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे जो है ना वो बस स्टेशन थे बने हुए, तो ये मुझे उसकी याद दिला रहा है। सड़क है जी, विलेज के अंदर ही सड़क बनाई गई है, ये दो विलेज को आपस में कनेक्ट करती है, और यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ भी पाली गई हैं, ये देखें, ये अंदर तो हम नहीं जा सकते, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी ये मुर्गियाँ भी पाली गई हैं। चलें जी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इस विलेज के अंदर क्या नया हमें मिल सकता है देखने को, और ये कोई चर्च है जी लेकिन इसको ताला लगा, तो आपने भी सब्सक्राइब करना है और साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबाना है, टन टन की आवाज़ आनी चाहिए। और ये एक कच्चा रास्ता भी है जा रहा है विलेज के अंदर, ये रास्ता दो विलेज को आपस में मिला रहा है और ये विलेज के अंदर जा रहा है, तो अभी सूरज जो है वो निकल चुका है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे कैटल नहीं मिल रहे, यानी कि गाय भैंसे माल मवेशी इस तरह के जो पालतू है ना ये नहीं मिल रहे, अगर वो मिलते हैं ना मुझे कहीं पे नज़र आते हैं तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि चाइना की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा था कि भाई हमें यहाँ के जो पालतू है ना यानी कि माल मवेशी वो भी देखने हैं वो भी दिखाएं। चाइना में तो खैर मुझे नहीं नज़र आए थे क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड फार्म के अंदर उनकी ग्रोथ करते हैं ना, इसी वजह से मैं उधर नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, जब भी कोई नज़र आता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। इसके अलावा जी ये एक टैंकी है पानी की, शायद क्या लिखा हुआ, प्रोग्राम द एग्वा, यानी कि ये पानी का कोई सिस्टम है जी। हैपन व्हाट हैपन, एक ही कह रही है इन्हू आंदी नहीं यार इंग्लिश, यस नो
अभी हम जी यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखें, ये एक जैसे नाला है ना छोटा सा, ये गांव में एक नाला भी बहता है। ये है जी नाला। वाओ, क्या बात है बोनस की। अभी ये मेरा मोबाइल ना नीचे गिर जाए। चलो जी बुट्टा साहब, तुसी की कर रहे जी? मैं क्लासिकल कर रहा हूँ। क्लासिकल डांस ना कीता कर। ये पानी इधर से नजर आएगा आपको, पानी आ रहा है ना। ये आवाम सारी आ चुकी है, हम जहाँ जाते हैं पीछे पीछे आवाम भी आ जाती है क्योंकि हमने फोटो खींची। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कर दें, अगर नहीं भी लगी तो फिर भी लाइक कर दें, ये आपका एहसान होगा मुझ पे। और अभी यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं और आपने मुझे ये बताना है कि क्या इस तरह की मैं वीडियो बनाया करूँ, यानी कि साउथ अमेरिका चिली के विलेज की इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो मैं आपको दिखाया करूँ या नहीं दिखाया करूँ, या आपको सिटी की सिर्फ वीडियोज़ बना के दिखाया करूँ, या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ज़रूर। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।